ये कहानी 16 साल के लड़के रोजन पे आधारित है, जो अपने घर की सारी औरतों के साथ घपा घप करके उनको प्रेग्नेंट कर देता है, और वो अपने इस महान काम को कैसे अंजाम देता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है व्हाट ऑल फ्रेंच वुमेन्स वांट, और ये मूवी 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम 16 साल के रोजर को देखते हैं। रोजर अपनी स्कूल की छुट्टियों की वजह से घर आ रहा था, तब उसके घर की एक मेड मिस लपीतो अपने घोड़ा गाड़ी से उसे घर ले आ रही थी, और घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देख के रोजर उसे घूरने लगता है। ये चीज मिस लपीते भी नोटिस करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। घर पहुंचने पर रोजर की माँ उसे पूछती है कि तुम्हारे पैंट पे मेयोनीज कैसे लगी। लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को पता है कि घोड़ा गाड़ी चलाते हुए मिस लपीते के हिलते हुए पपीते को देख कर रोजर अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी रोजर की मासी मार्गरेटा उसे बोलती है कि इस उम्र में ये सब चीज नॉर्मल है, और ये कह के वो रोजर की पैंट साफ करने लगती है। रोजर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम भरता था। उसके बाद भरता रोजर को जंगल में ले जाती है जहाँ मिस लपीते भी थी। तभी मिस लपीता रोजर के सामने ही साइड में जाके हल्की होने लगती है, और ये देखकर रोजर की आंखें बाहर आ जाती है। उसके बाद रोजर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब रोजर वहाँ पर देखने के लिए जाता है तब उसे वहाँ पर उसी के घर की एक मेड उर्सिला किसी और के साथ जंगल में मंगल करते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद रोजर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम पूरी फैमिली को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ हम व्यूअर को पता चलता है कि रोजर की माँ काफी स्ट्रिक्ट है। शाम को रोजर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोड़ी बनकर खड़ी है और कोई उसके पीछे से बजा रहा है, और ये देखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वापस सोने के लिए चला जाता है, और बिस्तर में उसकी छोटी बहन भरता छुपी हुई थी। तब भरता उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताया है कि हमारी मासी मार्गरेटा अभी भी वर्जिन है, जिस पर रोजर उसे पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन क्यों है, जिस पर भरता उन्हें बताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। तभी वहाँ अचानक से रैनी केट आ जाती है, और केट का काम भरता का देखभाल करना था। बरखा के वहाँ से जाने के बाद केट रोजर का ब्लैंकेट हटाती है, जिस पर रोजर अचानक से डर जाता है क्योंकि रोजर का पप्पू खड़ा हो गया था, और उसे देखने के बाद केट भी थोड़े बहुत मजे ले लेती है। अगले दिन बरखा रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है, जहाँ उसके घर की सारी मेड एक दूसरे से नहाते नहाते अपनी सीक्रेट शेयर कर रही थी। बरखा और रोजर अपने घर के चार मेड को छुपके से देख रहे हैं। तभी नदी के किनारे तीन नमूने आ जाते हैं, और ये तीनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे, और वो तीनों भी अपना पप्पू बाहर निकाल के मेड के सामने ही हल्के होने लगते हैं, और वो अपना स्पाइडरमैन मेड को दिखाने लगते हैं। तभी उर्सला बोलती है कि तू शेर तो मैं सवा शेर हूँ। तभी उर्सला उन तीनों को अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है, और उसके पिछवाड़े का दर्शन भरता और रोजर भी पेड़ के पीछे से ले रहे रहते हैं। अगले सीन में रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है, और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा आते ही सब लोगों से गले मिलती है, और जब रोजर की बारी आती है तो वो उसे फोरहेड किस करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर रोजर सोचता है कि मेरे अंदर कांटे लगे थे क्या। तभी बरखा रोजर को एक चर्च में ले जाती है, जहाँ दोनों छत पर छिप जाते हैं। तभी वहाँ मार्गरेटा आती है, और वो चर्च के पादरी से अपनी सारी बातें बताने लगती है, और वो पादरी से बोलती है कि जब से रोजर यहाँ आया है तब से मैं उसके साथ सपने में धक्का पेल करती हूँ। ये सारी बातें रोजर भी सुन रहा था। ये सुनने के बाद रोजर बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो पादरी के बगल में गिर जाता है, और पादरी इन दोनों को रोजर की माँ के पास ले जाता है, जिस पर रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि आप ही बताइए मैं इन दोनों के साथ क्या करूँ, जिस पर पादरी बोलता है कि आप रोजर के पिछवाड़े पे मार मार के उसके पिछवाड़े बंदर की तरह लाल कर दो, तभी इसे समझ आएगा और ये काम मार्गरेटा अपने शुद्ध हाथों से करेगी तो इसे ज्यादा मजा आएगा। रोजर की माँ मार्गरेटा से बोलती है कि तुम एक हंटर लो और शुरू हो जाओ। पहले तो मार्गरेटा ये करने से मना करती है, लेकिन रोजर की माँ के फोर्स करने के बाद वो ऐसा करने लगती है, और वो रोजर के पिछवाड़े पे मार मार के उसे बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर देती है। रात को सोते समय रोजर को फिर से बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेड हेलेन किसी से ठुकवा रही थी, और आज भी उसे बस हेलेन ही दिखती है, उसके पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता। और इस बार रोजर अकेले इस नजारे का मजा नहीं ले रहा था, बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी उस वक्त अचानक से रोजर के पास उर्सला आती है, और वो उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े में मूव लगा दूं। इतना मार खाने के बाद दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, जिस पर रोजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद रोजर उसे पूछता है कि हर रात हेलेन को कोई पीछे से बजा रहा रहता है, क्या तुम्हें पता है वो बंदा कौन है, जिस पे वो रोजर को बोलती है कि हम मेड का टॉप सीक्रेट है। तब रोजर को ख्याल आता है कि उसने ये शो अकेले नहीं देखा था, बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को एंजॉय कर रहे थे, जिसके बाद रोजर सीधा
मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है, जहाँ मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से मियाँ खलीफा को देखने की ख्वाहिश में अपने पैंट में हाथ डाल के अपने स्पाइडरमैन को तसल्ली दे रहे रहते हैं। और रोजर के आते ही मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। तब रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है और उसे नीचे दो शादीशुदा एलियन कुत्ता डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तब रोजर को समझ आता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने स्पाइडरमैन की मसाज क्यों कर रहे थे। अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें द ग्रेट सनी लियोनी की कहानी थी, और रोजर उस किताब को बड़ी शिद्दत से छुपा लेता है। और जाते वक्त उसे अपनी मॉम डैड के कमरे से घर घर खेलने की आवाज सुनाई देती है, और रोजर उसे लॉक वाली छेद से देखने लगता है। तभी उसे पीछे से एलिसा का फियांसे रोनाल्ड उसे देख लेता है और वो रोजर को धप्पा कर देता है, जिस पे रोजर उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम इस बात को किसी को मत बताना। इस बात पर रोनाल्ड भी इस बात का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। अगले दिन रोजर वही किताब घोड़ा गोदाम में पढ़ रहा होता है जिसमें सनी लियोनी की सफलता की कहानी लिखी हुई थी, और वो पढ़ने के साथ साथ वो अपने पप्पू को भी मसाज दे रहा होता है। और तभी अचानक से वहाँ धारा भाई जोगिंदर का फ्रेंच वर्जन आ जाता है और वो मौका देखते के साथ ही हेलन को आधा खिड़की के अंदर और आधा बाहर फंसा देता है, और वो बाहर जाके साइड से हेलन की गैलन में पानी भरने लगता है। तभी हेलन की नज़र रोजर पे पड़ती है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है। जैसे ही रोजर उसकी मदद करने के लिए जाता है तभी हेलन उसे बोलती है, रुको जरा सबर करो और गैलन में पानी भरने दो। तभी रोजर निकल के बाहर देखने जाता है कि हेलन की गैलन में पानी कौन भर रहा है, लेकिन तब तक जोगिंदर भाई अपना काम कर चुके थे। अगले सीन में रोजर अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जहां रोलांड रोजर को अपने जूते साफ करने के लिए कहता है, लेकिन रोजर काम करने से सीधा मना कर देता है। तभी रोलांड अपनी औकात दिखाता है और वो रोजर की सारी सच्चाई उसकी माँ को बता देता है, जिस पर रोजर की माँ बोलती है कि मेरी दोनों बेटियाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं मैंने इस इमरान हाशमिन को जन्म कैसे दे दिया। जिसके बाद रोजर अपनी सनी लियोनी वाली किताब को अपनी बहन की किताब से बदल देता है और वो छुप के देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं। उसके बाद एलिसा उस किताब को पढ़ के ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे धरती पर स्वर्ग मिल गया हो। उसके बाद रोजर किचन में जाता है जहाँ उर्सला होती है, और वो मौका देख के उर्सला को वहीं घोड़ी बनाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक दूसरी मेड आ जाती है और रोजर वहाँ छुप जाता है। जिसके बाद रोजर सोचता है कि मेरे ही किस्मत में एल लगे हुए हैं। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो मिस लबीता के पीछे उसके पपीते दबाने जाता है, जिसपे मिस लपीते उसे पहले मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मिस लपीते कहती है, रोजर मेरे बच्चे जितना बजाना है तुम बजाओ। लेकिन वहाँ रोजर की नोबिता वाली किस्मत चमक जाती है और बाहर कोई जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग का ऐलान कर देता है, और सबको पता चलता है कि जर्मनी ने फ्रांस से जंग का ऐलान कर दिया है। अगले दिन सब लोग युद्ध में जाने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन रोजर की हालत ऐसी होती है जैसे उसने ढिंढोरा की लॉटरी जीत ली हो। लेकिन फ्रांस में एक नियम था कि वॉर में जाने से पहले वो लोग सब लोग अपनी बीवी को टीवी के सामने घोड़ी बनाएंगे। जिसके बाद सब लोग रात में अपनी बीवी को जंगल में ले जाके उसकी बजाने लगते हैं, जिस पर रोजर सोचता है कि बस ये आज रात की चांदनी है और इसके बाद तो इनकी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। सबके युद्ध में जाने के बाद सारी लेडीज अकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सला के पास जाता है, जहां वो उसे ले दे के घोड़ी बना ही देता है, और वो उर्सला से ये भी कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिसके बाद उर्सला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार चरम सुख लेने के बाद यही बोलते हैं। अगले सीन में बर्दा रोजर से बोलती है कि पादरी माँ से मिलने आए हैं, जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उन दोनों की चुपके से बात सुनने लगते हैं। जिसके बाद रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि मेरा पति कभी मुझे घोड़ी बना के लेता है और कभी डॉगी बना के, इससे कोई पाप तो नहीं। जिस पे पादरी बोलता है, नहीं वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारी घोड़ी बना के ले या डॉगी बना के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी रोजर की माँ रोजर को देख लेती है और वो बिना देर किए बाहर आ जाती है। अगले दिन बर्था की नैनी केट हमें दिखाई दी जाती है और वो नदी किनारे बैठ के अपनी जुल्फे सवार रही थी, लेकिन तभी वहाँ रोजर भी आ जाता है और वो पानी में जंगली सुअर की तरह रेंगने लगता है। पहले तो रोजर केट से मजे लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो भी राजी है, वो मौके पे चौके मार देता है और वो दोनों वहाँ पर घपा घप करने लगते हैं। अब रोजर पूरी तरह से अल्टीमेट हरामी बन चुका था, जिस पर रोजर सोचता है कि अब सारी औरतों का मटका मैं ही फोड़ूंगा। और अगले दिन रोजर का बाप वहाँ छुट्टी लेकर आ जाता है और रोजर देखता है कि मार्गरेटा और केट उसके माँ बाप को घर घर खेलते हुए देख रहे हैं, जिस पर रोजर उनसे कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, और ये बोल के वो वहाँ से घर भी चला जाता है। ये देख के उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और रोजर को वहाँ से भगाने लगते हैं। जिसके बाद मार्गरेटा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन रोजर उसके कमरे में उसे धप्पा कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो, तो आओ मैं तुम्हारा गेम बजा देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों गपागप करने लगते हैं। उसके बाद हम फिर से हेलन को देखते हैं जो चाय नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन इस बार युद्ध में जाने की वजह से
उसका बजाने वाला कोई नहीं था। तभी वो रोजर के कमरे में जाती है और रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे घोड़ी बना देता है। अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहाँ वो घोड़ों को घास खिला रही थी, जिस पर रोजर उसे बोलता है कि मैं आज तेरी भी पिक्चर बनाऊंगा। पहले तो एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलती है कि हाँ मेरी पिक्चर बनाओ और हाँ मुझे पिक्चर में घोड़ी का रोल देना, जिसके बाद रोजर उसे भी घोड़ी बना देता है। अब रोजर सारी औरतों के बीच पॉपुलर हो गया था। इसके बाद सारी औरतें बारी बारी करके उसके पास काम पच्चीस करवाने आती थी। दिन बीतते जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी रोजर देखता है कि रोलांड भी वापस आ गया है, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था। उर्सिला और मार्गरेटा भी उसे बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सुनने के बाद रोजर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अगर उसके मॉम डैड को ये बात पता चली तो उसके मॉम डैड उसे ही घोड़ी बना देंगे। तभी रोजर उर्सिला से बोलता है कि एक नेल पॉलिश लेके आओ, और वो उस नेल पॉलिश को एलिसा के बेड पे लगा देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोनाल्ड के साथ घपा घप कर लेना, जिसे रोलांड को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जन है। उसके बाद वो अपनी मासी से बोलता है कि आप फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, और ये सुनने के बाद वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद रोजर उर्सिला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सिला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही किसी और को पसंद करती थी। और उसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और रोजर के कांड के बारे में किसी को कानो कार खबर भी नहीं होती। और उसी रात रोजर फिर से हेलेन के साथ खपा घप करता है, और अगले दिन हेलेन उसे बताती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अब रोजर की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा पति ढूंढ लूंगा, जिस पे हेलेन बोलती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ घपा घप किया है और मैं इस पे किसी का भी नाम लगा सकती हूँ। उसके बाद रोजर अपने पापा के साथ खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवी जानने के लिए इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।